हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अमेजिंग ऑफ वाला एंड दिस योर यशिका मैम और यशिका मैम आपको पढ़ाने वाली है जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर थ्री एंड मैम ने लेकिन आपको एक टास्क दिया था टास्क ये था बेटा कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ करके आना था क्योंकि अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ के नहीं आएंगे बेटा तो मैं अभी बता दूं अभी पॉज करो और एग्जिट मार जाओ बिकॉज देर इज नो पॉइंट कि आप बीच से लेक्चर पढ़ना शुरू कर रहे हो आप किसी भी टीचर का पढ़ते हो बेटा आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर नंबर वन टिल द लेक् लेक्चर जो लास्ट वाला लेक्चर होगा आप बीच बीच में से पढ़ोगे आपको नहीं क्लियर होगा ठीक है एंड वन मोर थिंग क्योंकि जेनेटिक्स है बेटा ये हलवा नहीं है ठीक है हलवा हम बनाएंगे पढ़ा पढ़ा करके ठीक है आपके लिए हलवा तब लगेगा जब आप अच्छे से पढ़ लोगे प्रैक्टिस कर लोगे तो उसी चीज़ को याद करते हुए मैम ने आपको बोला था बेटा आपको रिवाइज करके आना है मैम ने आपको कुछ होमवर्कस भी दिए थे तो उम्मीद करती हूँ अपने बच्चों से प्यारे प्यारे बच्चों से कि बच्चे सारे के सारे पढ़ करके आए होंगे क्योंकि आज जो आप पढ़ने वाले हो ना मैं ये नहीं कहूंगी एकदम से नया टॉपिक है ये उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंटिन्यूएशन है थोड़ा सा पोर्शन है ठीक है तो डेफिनेटली आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ के ही आनी चाहिए थी अगर नहीं आयो फटाफट पॉज करो कॉपी उठाओ एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ और फिर आओ बेटा अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ट्रस्ट मी ठीक है एंड जो पढ़ करके आए हो वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो यस yes, फटाफट से ओके okay. तो so, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मैंने कुछ पिछले क्लास की स्लाइड्स ऐड कर रखी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उन्हीं की कॉन्टीन्यूएशन में है तो पिछले में तो क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था मोनोहाइब्रिड को मोनोहाइब्रिड क्यों कहते हैं बेटा ये एक हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हाइब्रिड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा ये एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था जो मेंडल जी ने परफॉर्म किया था बट इसमें एक ये शर्त थी कि एक ही कैरेक्टर को पढ़ेंगे और एक कैरेक्टर कितने ट्रेट होते हैं दो ट्रेट एक इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ही कैरेक्टर को पढ़ा गया था जो सबसे पहले जनरेशन में प्लांट आते हैं उनको हाइब्रिड प्लांट कहा गया है ठीक है अब वो हाइब्रिड प्लांट जैसे भी आएंगे कितने भी नंबर में आए वो हमेशा अपने एक ही पेरेंट को रिजेंबल करेंगे ठीक है दोनों पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर सकते और वो भी किस पेरेंट को करते हैं जो टॉल होता है याद करो लिखा है ना कॉपी बेचारी डॉर्फ वाली पेरेंट तो दुखी हो जाएगी तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं लेट्स गो फॉर दी एफ टू जनरेशन एफ टू कैसे निकालते हैं बेटा एफ वन की सेल्फिंग करा करके एफ वन कैसा आया था कैपिटल टी स्मॉल टी उसका कैपिटल टी स्मोल टी सेल्फिंग करा दिया ये क्योंकि इंप्योर है दो टाइप ऑफ गैमिट मिला तुम्हें कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी इम्प्योर था दो टाइप का गैमिट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी -2, LEDs, ये जो डब्बा है यह पनट स्क्वायर खेलाता है तो आपको पता है जो हमारी रेशियो आती है फिनोटिपिक वो थ्री टू वन आती है क्योंकि तीन आते हैं टॉल और एक आता है डॉर्फ जो जीनोटिपिक रेशियो आती है यस आज का मुद्दा है हमारा जीनोटिपिक रेशियो वाला ठीक है फिनोटिपिक जानना फिनोटाइप जानना कितने लंबे प्लांट है कितने छोटे प्लांट है एक क्लास में किसकी हाइट बड़ी है किसकी हाइट छोटी है कौन गोरा है कौन डार्क है वो तो बेटा आपको बाहर रूप से ही दिखाई दे जाएगा लेकिन अंदर उसके जीन क्या मौजूद है एक की प्लांट की हाइट आपको बड़ी दिखाई दे रही है। आप तो बड़े इजीली पहचान जाओगे बड़ा और छोटा ठीक है बट उसके अंदर जीन कौन सा मौजूद है ये कैसे जानोगे यार के लिए तुम्हें तो अंदर झांकना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म के और वैसे झाक झाक के पहचान लेते हैं किसका जीन है तो मेरा जीन पहचान सकते हो मैं आपका जीन पहचान सकती हूँ हाइट वाला कि अंदर प्योर वाला बैठा है या इम्प्योर वाला बैठा है सारे के सारे डोमिनेंट है प्योर फॉर्म में है या हाइड्रोजागस फॉर्म में ये भैया कैसे पता लगाया जाए तो जीनो टाइप रेशियो हमने जितने मज, मज, बड़े मजे में वन इज टू इस, टु टु इस टु वन लिख लिया ना ये उस टाइम पे निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेंडल जी ने फिर एक क्रॉस किया उस क्रॉस के बाद उनको एक्चुअल में पता चला बेटा ये तो अब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि देख लो बेटा ये एक जीनो टाइप ये दूसरा जीनो टाइप और ये तीसरा जीनो टाइप बोलते हैं ना ऐसा अब तो बड़ा इजी है ठीक है क्योंकि हम इस प्रकार से आपको क्रॉस सिखाते हैं उस टाइम पे तो बड़ा मुश्किल हो रहा था क्यों मुश्किल हो रहा था लेट मी टेल यू ये देखो ये देखो जस्ट अ सेकेंड हा मेंडल जी को तो ये मिला था ना बेटा मेंडल जी को कौन सा जीन जीरो टाइप शुरुआत में पता चल गया था ठीक है वो तो पेड़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पेड़ का तो बाहरी रूप उनको दिखाई दे रहा था ठीक है मैं किसी पेड़ के साथ एक्सपेरिमेंट करूं तो मुझे तो सिर्फ बाहर से दिखाई दे रहा ना वो कैसा है वो बड़े हाइट का या छोटे हाइट का है तो वो देखो वो बड़े हाइट और क्या, क्या जेनेटिक मेकअप है क्या जीनो टाइप है, है ना तो जब इनको एफ टू जनरेशन वाले मिले तो उन्होंने देखा तीन टॉल आ रहे हैं बट बेटा टॉल जो फिनो होता है टॉल फीनो टाइप हैजू पॉसिबल जीनो टाइप कौन कौन से जीनो टाइप टॉल दे सकते हैं बेटा कैपिटल टी कैपिटल टी कैन गिव टॉल ट्रेट और कैपिटल टी स्मॉल टी कैन ऑल्सो गिव टॉल ट्रेट है ना इससे भी टॉल आ सकता है इससे भी टॉल आ सकता है पर हमें यहां कैसे पता चलेगा हमें तो सिर्फ बाहर से हाइट दिखाई दे रही है और हाइट से हमें पता चल रहा है टॉल अब यह कैसा पत कैसे पता चले वेदर वेदर दिस टॉल प्लांट वेदर दिस टॉल प्लांट हैज कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था ये उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था एबल टू गेट कंक्लूजन ऑफ फीनो टाइप्स नॉट दिनो टाइप्स उनको जीनो टाइप्स नहीं पता लग रहे थे क्यों क्योंकि अंदर घुस के तुम थोड़ी देख सकते हो तुम्हें तो सिर्फ बाहर तुम्हें भी तो सिर्फ बेटा देखो बाहर से तो दिखाई दे रहा है तो उनको भी बाहर से दिखाई दे रहा था कि तीन टोटल चार में से तीन प्लांट टॉल हैं और एक प्लांट डॉर्फ है बस इतना ही बता पा रहे थे ये टॉल में ये नहीं बता पा रहे थे कि कैपिटल टी कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है बड़ी दुविधा थी तो इस दुविधा को ठीक करने के लिए एक क्रॉस का इस्तेमाल किया गया था दैट वॉज टेस्ट क्रॉस दैट वॉज टेस्ट क्रॉस विद दी हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस किसी भी प्लांट का चाहे ये वाला प्लांट हो चाहे ये वाला प्लांट हो चाहे ये वाला प्लांट हो किसी भी प्लांट का तुम बड़े इजिली जीनो निकाल सकते हो ठीक है तुम किसी भी प्लांट का बड़े इजली जीनो निकाल सकते हो कैसे देखो पहले हम समझते हैं टेस्ट क्रॉस ठीक है थ्योरोटिकल बातें क्योंकि आपको बोर्ड्स में थ्योरोटिकल बातें लिखोगे तो नंबर मिलेगी कहानी तो समझने के लिए समझनी है ना मार्क्स तो थ्योरी लिखने से मिलेगा लेकिन कहानी तो समझ नहीं पड़ेगी तो पहले लिख लेते हैं थ्योरी चीजें फिर आपको आ, समझा भी दिया जाएगा ठीक है आओ लेट्स राइट वट इज क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं पहले लिख लो ऑब्जेक्टिव सो वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट क्रॉस टू नो टू नो दिनो टाइप सिंपल भाषा में कि जीनोटाइप पहचानने के लिए या आप ये भी लिख सकते हो टू नो दिनो टाइप टू नो दिनो टाइप ऑफ प्लांट या आप लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म अभी हम प्लांट एज अ ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं जी ने मटर पर काम किया था किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आपको जीनो टाइप नहीं पता है तो यू कैन डेफिनेटली डू अ टेस्ट क्रॉस फिर टू नो द जीनो टाइप ठीक है टू नो द जीनो टाइप ऑफ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप डोमिनेंट फिनोटाइप जैसे अभी हम क्या देख रहे थे बेटा एक टॉल प्लांट था ठीक है तो टॉल कैसा फिनोटाइप होता है टॉल एक डोमिनेंट फिनोटाइप है ठीक है तो तुम्हें इस प्लांट का फिनोटाइप तो पता है ठीक है और वो फिनोटाइप कैसा है डोमिनेट बट क्या तुम्हें इस प्लांट का जीनोटाइप पता है क्या तुम्हें इस प्लांट का जेनेटिक मेकअप पता है नो इट इज अनोन तो इस प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए आप टेस्ट क्रॉस करोगे ठीक है जिसका आपको फिनोटाइप पता है वो कैसा फिनोटाइप है डोमिनेंट फिनोटाइप तो कोई भी प्लांट अगर डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है तो यू डोंट नो कि ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट है ठीक है आ जाओ तो हमें क्या जानना है एक और भाषा में टू नो वेदर द जीनो टाइप इज वेदर दीनो टाइप इज होमोजाइगस डोमिनेट होमोजाइगस या आप लिख सकते हो प्योर डोमिनेंट प्योर डोमिनेंट दैट मींस कैपिटल टी कैपिटल टी वाला है और यह आपको क्या जानना है कि वो हेटरोजाइगस डोमिनेंट है हेटरोजाइगस या आप इसको लिख सकते हो इम्प्योर इम्प्योर और हेटरोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी ये आपको जानना है ठीक है तो अभी अगर मैं आपसे बताऊं तो हमें सिर्फ फिनोटाइप पता है फिनोटाइप क्या तीन प्लांट का एक छोटकू प्लांट भी है ना हमें मतलब नहीं है ठीक है अभी हमें मतलब तीन टॉल प्लांट है तीन टॉल प्लांट तो आपको पता है इसका भी फिनोटाइप इसका भी फिनोटाइप इसका भी फिनोटाइप यू डोंट नो दिनो टाइप genotype, ना इसका ना इसका ना इसका सो वॉट डन टेस्ट क्रॉस हैज टू बी डन नाउ वॉट इज टेस्ट क्रॉस आओ ये तो हमने पढ़ लिया टेस्ट क्रॉस का मकसद नाउ वॉट इज टेस्ट क्रॉस पहले मैं आपको एक क्रॉस समझा देती हूँ फिर उसका एप्लीकेशन समझाऊंगी ठीक है टेस्ट क्रॉस कहते हैं टेस्ट क्रॉस है क्या टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस ऑफ एफ वन हाइब्रिड विथ रेसिसिव, देखो किताबी लैंग्वेज क्या होती है वो लिखवा देती हूं फिर समझाऊंगी विथ रेसिसिव, रेसिसिव, पेरेंटल जीनोटाइप क्या होता है टेस्ट क्रॉस जब हम F1 का क्रॉस कराते हैं F1 क्या आया है बेटा मोनोहाइब्रिड F1 आया है कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है और इसका क्रॉस कराते हैं जो रेसेसिव पेरेंट है उसके जैसे जीरो रेसेसिव पेरेंट हमारा स्मॉल टी स्मॉल टी है ठीक है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपको टू टाइप्स ऑफ गेमिट देगा ये वाला जो पेरेंट है आपको दो प्रकार के गेमिट देगा कौन से एक देगा कैपिटल टी और एक देगा स्मॉल टी वाई बिकॉज ये इम कंडीशन है ये क्या है बेटा प्योर है तो प्योर हमेशा वन टाइप ऑफ गेमिट देंगे टाइप एक होगा नंबर वेरी कर सकता है वन टाइप ऑफ गेमिट दैट इज वन दैट इज कौन सा स्मॉल टी अब क्या करो डब्बा बना लो कौन सा पनेट स्क्वायर का डब्बा उस डब्बे में गेमिट्स लिख लो एक पेरेंट के दो गेमीट हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेरेंट का एक ही गेमीट है तो स्मॉल टी लिख लो अब गेमीट गेमीट को क्रॉस करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी अगर ये जीनोटाइप है तो फिनोटाइप क्या आएगा टॉल और अगर ये जीनोटाइप है तो फिनोटाइप क्या आएगा डॉर्फ इतना तो अभी तक बच्चों आपको पता चल चुका होगा तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेशियो अगर आपसे पूछे कोई कि रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये मोनोहाइब्रिड है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कितना आया बेटा वन इज टू वन वन इज टू वन क्यों देखो वन अपॉन टू कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं दो बच्चे हैं दो में से कैपिटल टी स्मॉल टी एक तो क्या फिफ्टी परसेंट हुआ ना ये और ये वाले कितने आ रहे हैं बेटा ये वाले कितने आ रहे हैं वन अंट टू दैट इज अगेन फिफ्टी परसेंट मतलब आधे ये प्लांट आएंगे आधे ये प्लांट आएंगे मान लो सौ प्लांट बन रहा है ठीक है टोटल नंबर ऑफ प्लांट सौ बन रहे हैं ऐसा क्रॉस कराने के बाद मतलब एक मटर का प्लांट ऐसा है और अगर दूसरा मटर का प्लांट ऐसा है और मान लो सौ प्लांट आ रहे हैं सौ में से बेटा पचास टॉल आएंगे और पचास डोर्फ आएंगे ठीक है तो ये हमारी बन जाती है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो अगर कोई भी आपसे पूछे टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना आता है मोनोहाइब्रिड में तो वन एस टू वन अगर आपसे लिखने के लिए पूछा जाए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है तो ये तीन बातें लिखोगे और ये क्रॉस करके बता दोगे अब तुम सोचोगे मैडम ठीक है लिखने को तो लिख देंगे मार्क्स मिल जाएगा लेकिन भैया मैडम हमें समझ में नहीं आया हमें खोपड़ी में घुसा नहीं हमारे दिमाग में घुसा नहीं कि आखिर टेस्ट क्रॉस से जीनोटाइप पता कैसे चल रहा है बिल्कुल सही जवाब ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई पता कैसे चला अब देखो आओ असली मुद्दे पर यह देखो आपके पास बेटा प्लांट थे एक प्लांट है दिस इज अ प्लांट ठीक है दिस इज अ टॉल प्लांट दिस इज अ टॉल प्लांट है ना और आपको इसका कुछ जीनो टाइप नहीं पता है ठीक है कि ये कैपिटल टी कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला यू डोंट नो कि प्योर टॉल है या इंप्योर टॉल है यू डोंट नो कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हाइड्रोजाइगस डोमिनेंट है अब जानने के लिए वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू क्रॉस इट विथ छोटा वाला पेरेंट छोटा वाला मतलब डोर्फ डोर्फ प्लांट ठीक है अगर अगर आपको जितने भी बच्चे आए जितने भी बच्चे आ रहे हैं जितने भी आए बेटा जितने भी आए सारे के सारे अगर टॉल प्लांट वाले हैं सारे के सारे अगर टॉल आ रहा है तो आप खुद सोचो इस प्लांट का कैपिटल टी कैपिटल टी है स्मॉल टी small T स्मॉल टी खुद सोचो 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 मैडम आपको टाइम दे रही है क्योंकि ठीक तो तो है इसका तो small t, small t ही होगा। आपको किसका नहीं पता आपको इस प्लांट का नहीं पता है यू आर कंफ्यूज कि इसका जीनो ये हो सकता है ये हो सकता है लेकिन तुम इसका जीनोटाइप पहचान सकते हो कैसे पहचानोगे रिजल्ट देख करके इफ आई एम से जो इनके बच्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे टॉल आ रहे हैं यू आर नॉट गेटिंग टू सी एनी सॉर्ट ऑफ सुनो। अगर इमेजिन करो अगर ये टॉल प्लांट है और अगर इसका कैपिटल टी कैपिटल टी है या मान लो पहले ये मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी होता फॉर एग्जाम्पल ठीक है इफ फ जीनो टाइप इफ कह रही हूं बेटा इफ जीनो टाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है और इसका तो हमें पता ही है स्मॉल टी स्म टी तो बच्चे कैसे आते इधर से गैमिट बनता कैपिटल टी स्मॉल टी इधर से गैमिट बनता स्मॉल टी और डब्बा बना लो तो क्रॉस में आ तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्म टी स्मॉल टी टॉल आता पचास परसेंट ठीक है और 50 परसेंट डॉर्फ आने के चांसेस थे डोर्फ दिखता कब दिखता अगर प्लांट तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी होता अगर तुम्हें रिजल्ट में कोई भी डॉर्फ नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ बेटा कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है ये कैपिटल टी कैपिटल टी है कैसे देखो इफ इफ प्लांट इज इफ प्लांट इज कैपिटल टी कैपिटल टी वो वाला और ये डॉर्फ का तो आपको पता ही है स्मॉल टी स्मॉल टी इधर से कैपिटल टी आएगा इधर से स्मॉल टी गेमीट आएगा क्रॉस करा दो गेमीट का फ्यूजन करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे बच्चे देता है टॉल बच्चे देता है हंड्रेड परसेंट टॉल मतलब जितने भी प्लांट है सौ दो सौ हजार दो हजार पांच हजार दस हजार लाख सारे के सारे कैसे आएंगे बेटा टॉल ठीक है और ये सारे के सारे टॉल तभी आएंगे जब हमारा प्लांट कैसा है प्योर टॉल और यही तो हो रहा है रिजल्ट देखो तुम्हें सारे के सारे प्लांट टॉल दिख रहे हैं और टॉल तभी आ सकता था जब तुम्हारा पेरेंट क्या था कैपिटल टी कैपिटल टी समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो ये देखो अगर आपके पास एक पेड़ है टॉल वाला ठीक है और दूसरा पेड़ है डॉर्फ वाला ठीक है केस वन केस टू है अगर आपके पास एक पेड़ है टॉल वाला ठीक है और दूसरा पेड़ है डॉर्फ वाला तो डॉर्फ वाले का तो आपको जीनो पता ही है स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी प्रॉब्लम तो डोमिनेंट फिनो के साथ होती है क्योंकि डोमिनेंट फिनोटाइप में दो पॉसिबल जीनो बन सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी अगर इस पेड़ के क्रॉस कराओगे दोनों का अगर इनके बच्चे सारे के सारे टॉल आ रहे हैं ऑल टॉल कोई रिसेसिव नहीं दिखाई दे रहा तो आपको पता चल जाना चाहिए कैपिटल टी कैपिटल टी है या आपको पता चल जाना चाहिए ये प्योर कंडीशन में है प्योर टॉल या आप बोलोगे होमोजाइगस टॉल या आप बोलोगे होमोजाइगस डोमिनेंट कुछ भी बोल सकते होमोजाइगस डोमिनेंट ठीक है अगर इनके बच्चे कराओगे ठीक है और जितने भी प्लांट आए सौ हजार दो हजार पांच हजार अगर फिफ्टी परसेंट टॉल आ रहे हैं और फिफ्टी परसेंट डॉर्फ भी दिख रहा है तो डॉर्फ तभी दिख सकता था जब ये कैसा हो कैपिटल टी स्मॉल टी दैट मीन्स ये वाला प्लांट कैसा है इम्प्योटॉल या आप कह सकते हो हेटरोजाइगस डोमिनेंट हैटरोगस डोमिनेंट या आप कह सकते हो टॉल हेटरो हेटरोजाइगस्टॉल टॉल तो इसमें तुम क्या करा रहे हो इसमें तुम रेसिसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो तो इस क्रॉस कराने से बड़े आसानी से रिजल्ट को देख करके ये अंदाजा लग जा रहा है ये पता चल जा रहा है कि जो हमारा टॉल प्लांट है डोमिनेंट वाले प्लांट है उनका एक्चुअल में जीनोटाइप कैसा है झांक के तो पता नहीं कर सकते थे क्योंकि तो अंदर है जींस तो अंदर होते ना बेटा तो कैसे पता करेंगे उनको रेसिस्ट पेरेंट से क्रॉस करा करके रिजल्ट को देख करके बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है क्लियर हो गया है ना तो ये फायदा होता है टेस्ट क्रॉस का अच्छा बच्चे कहते हैं मैम दैट मीन्स कैपिटल टी कैपिटल टी का स्मॉल टी स्मॉल टी क्रॉस करा रहे हो तो ये भी टेस्ट क्रॉस है और मैम कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा रहे तो ये भी टेस्ट क्रॉस है।, तो है सोच तुम सही रहे हो बट हमारी किताबों में ठीक है इस तरीके के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है ठीक है तो यही तुम्हें भी समझना है इसीलिए जब मैंने आपको टेस्ट क्रॉस करके दिखाया है तो मैंने देखो कैपिटल टी स्मॉल टी 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 और स्मॉल स्मॉल का का करके दिखाया तुम्हें इसी रेशियो पूछा जाता है तो दैट इज वन इज टू वन टेस्ट क्रॉस पूछा जाएगा यही बनाना मैंने आपको बना करके भी समझा दिया हाउ अब एनसीआर का भी एग्जाम्पल लेकर के समझा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा ये देखो एनसीआरटी का एग्जाम्पल है ठीक है अब ये देखो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों क्या है एनसीईआरटी में ये एक फ्लावर है इस फ्लावर का फीनो टाइप देखो डोमिनेंट है क्योंकि तुम्हें बताया गया था फ्लावर कलर साइड में लिखती होचपच हो जाएगा एक कैरेक्टर होता है बेटा फ्लावर कलर दिस वॉज वन प्लांट कैरेक्टर अगर आपको याद है तो वो पूरी टेबल खोल के बैठ सकते हो तो एक प्लांट कैरेक्टर ये भी था मैंने आपको एक प्लांट कैरेक्टर स्टेम हाइट लेकर के समझाया है है ना अब एनसीईआरटी दूसरा प्लांट कैरेक्टर लेकर के समझाती है टेस्ट क्रॉस को तो एक प्लांट कैरेक्टर होता है बेटा फ्लावर कलर एंड एज ऑल ऑल ऑफ यू नो दैट हर कैरेक्टर के हम दो ट्रेड्स पढ़ते हैं तो वन इज डोमिनेंट वन इज डोमिनेंट ट्रेड एंड वन इज रेसिव ट्रेड फ्लावर कलर का डॉमिनेट रेट क्या होता है वाइलेट कलर रेसे अगर मैं मैंने आपको बोला था हर कैरेक्टर का परफॉर्म करना तो अगर तुमने इसका मोनोहाइब्रिट परफॉर्म किया होगा ना तो तुम्हें अगेन फिनोटिपिक रेशियो थ्री टू वन मिला होगा तीन वायलेट वाले आ रहे होंगे और एक वाइल इट वाला आएगा बट जो वायलेट आ रहा है आप उसका कैसे पहचानोगे कि वो प्योर वायलेट है या इम्प्योर वायलेट है hmm, क्या तुम्हें करके दिखा दिया जाए इस कैरेक्टर को लेकर के भी मोनोहाइब्रिड करके दिखा दूं क्या थोड़ा सोच रही हूं कि तुम्हें स्पून फीडिंग करने की गंदी आदत तो नहीं लगवा दूंगी ये करके बट कोई नहीं शायद आपको और बेटर तरीके समझ में आ जाए देखो अब मैं आपको दिखा देती हूं अब इन्होंने वायलेट के लिए बेटा वैसे तो हमने हम भी लेकर के भी चल सकते थे बट इन्होंने वायलेट को शो किया है डब्लू से और वाइट को शो किया है स्मॉल डब्लू से ठीक है अगर डब्लू डब्लू ये और ये क्या है बेटा छोटा डब्लू यहां से गेमिट बनेगा कैपिटल डब्लू यहां से गेमिट का टाइप आएगा स्मॉल डब्ल्यू इनको फर्टिलाइज़ करा दोगे तो F1 हमारा क्या आएगा बेटा कैपिटल W और स्मॉल W स्मॉल W एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा तो F1 देखो कैसा आ रहा है वाइलेट फ्लावर कैसा आएगा बेटा वाइलेट फ्लावर फिर से देखो जो मेंडल जी ने बात कही थी क्या कही थी कि F1 में सिर्फ एक ही पेरेंट ये वाइलेट वाला पेरेंट था ना तो एक ही पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा ये वाइट वाला पेरेंट देखो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो इसको एक्सप्रेस कराने के लिए व्हाइट वाले को भी एक्सप्रेस कराने के लिए हम चलते हैं एफ टू के पास ठीक है एफ टू में क्या करते हैं हम एफ वन की सेल्फिंग करा देते हैं इसका इसी से सेल्फिंग ठीक है अब यहां से बनेंगे तुम्हें दो गेमिट कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यहां से भी बनेगा दो गेमिट कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ठीक है डब्बा बना लो प्यारा सा अब जब गेमिट बन गया है तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप फ्यूजन कराना इसका इससे फ्यूजन करा दो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इसका इससे करा दो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्ल्यू इसका इससे करा दो तो कैपिटल डब्लू कैपिटल थोड़ी है मैम को भी देखो ये तो स्मॉल है दिस इज स्मॉल स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ठीक है इसका ये छोटा W है ये इसका इससे करा दो तो स्मॉल W स्मॉल W तो कैपिटल W कैपिटल W होगा तो क्या आएगा वायलेट फ्लावर ये भी क्या आएगा वायलेट फ्लावर ये भी क्या आएगा वायलेट फ्लावर ये क्या आएगा वाइट आएगा तो अगेन देखो तुम्हें फिनोटिपिक रेशियो बेटा थ्री टू वन ही मिल रही है तीन कैसे आ रहे हैं वाइलेट बट तुम्हें पता है तुम किसी फ्लावर का कलर देखते हो तो उसके अंदर झांक करके देख सकते हो उसका जीनोटाइप क्या है झाक करके तो देखा नहीं जा सकता तो ये जो वायलेट कलर के फ्लावर आ रहे थे आप इस वायलेट क्योंकि एक ऐसा फिनोटाइप है ये एक डोमिनेंट फिनोटाइप है एंड जैसा कि आपको पता है बेटा हर डोमिनेंट फिनोटाइप के दो पॉसिबल जीनोटाइप बनते हैं दो पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं और वो दो पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे एक होगा प्योर वाइलेट और एक होगा इंप्योर वायलेट इम्प्योर वायलेट प्योर वायलेट मतलब कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू जिसको हम होमोजाइगस डोमिनेंट भी बोल सकते हैं और एक होता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जो कि इम्प्योर होगा या याटर डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस वायलेट होगा वही कंसेप्ट जैसा टॉल और डॉफ के लिए पढ़ा था तो वी वॉन्ट टू नो कि जो वायलेट आ रहा है ये प्योर वाला है या इम्प्योर वाला है तो इसको एनसीआरटी ने क्लियर किया है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस विद हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस सी आप देख सकते हो ये फ्लावर है ठीक है इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन बनाया है क्यों क्योंकि इसका इनको जीनो नहीं पता है देखो लिखा हुआ है जीनो टाइप अब जीनो टाइप की पॉसिबल कंडीशन क्या होती है या तो वो प्योर टॉल होगा सॉरी टॉल नहीं प्योर वाइलेट होगा या तो वो क्या होगा इमप्योर वाला होगा यही दो पॉसिबिलिटी बनती है ना और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है अगर प्योर होगा तो जितने भी फ्लावर आएंगे वो ऑल पर्पल आएंगे जैसे ही तुम्हें पता चल जाए कि जितने भी बच्चे हैं वो ऑल पर्पल पर्पल आ रहे हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा वो डब्ल्यू डब्ल्यू वाले हैं अगर 50 50 आएगा 50 मतलब 50 वाइट आने के चांसेस भी हैं 50 पर्पल आने के चांसेस भी हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा वो कैसे हैं इम्प्योर वही चीज वही, वही कंसेप्ट ठीक है तो कैसे पता चला विद्प ऑफ टेस्ट क्रॉस अगर इसको अपनी भाषा में समझाऊं ठीक है तो मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊं तो तुम्हारे पास मेरे पास पर्पल कलर है या नहीं है पर्पल यस इज दिस पर्पल पर्पल ही तो लग रहा है पिंक हो गया ये हाँ ये पर्पल है तुम्हारे पास बेटा एक फ्लावर है पर्पल फ्लावर ठीक है ये भी एक पर्पल फ्लावर ठीक है इस फ्लावर का यू डोंट नो दीनो टाइप

फिफ्टी परसेंट वायलेट फ्लावर भी आए एंड फिफ्टी परसेंट वाइट फ्लावर भी आए और एक कप ये कब पॉसिबल है यह तभी पॉसिबल है जब ये इम्प्योर हो जब ये इम्प्योर वायलेट हो दैट मीन्स इसका जीनोटाइप कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू हो यह तभी पॉसिबल ये देखो ये देखो आधा वाइट आधा परसेंटेज मतलब फिफ्टी परसेंट वाइट फिफ्टी परसेंट वाइलेट ये कब पॉसिबल है बेटा जब ये इम्प्योर है और इसका क्रॉस वाइट वाले रेसिसिव के साथ कराया गया है ना और कहाँ गए हम कहाँ गए कहाँ गए हाँ और अगर ऑल जितने भी फ्लावर आए जनरेशन में सारे के सारे कैसे हों सारे के सारे क्या हो अगर सारे के सारे पर्पल हैं ऑल पर्पल तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कैपिटल भी मतलब प्योर वाइलेट हो ठीक है और सुंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये ऐसे इम्प्योर है ये तो स्मॉल डब्लू ही है ठीक है ये प्योर है कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू और ये स्मॉल डब्लू स्मॉल तो ऑल पर्पल आ रहा है समझ जाओगे ये प्योर कंडीशन में है अगर आधा आधा आ रहा है समझ जाओगे कंडीशन में जैसा यहाँ पर दिखाया गया है देखो सारे के सारे पर्पल आ रहे हैं दैट ये तभी आएंगे जब ये प्योर है आधा आधा आएगा दैट मीन्स ये इम है वही टॉल एंड डॉर्फ वाला कंसेप्ट ठीक है तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक पढ़ लिया दैट इज टेस्ट क्रॉस जो पूछा जाता है क्या लिखना है बता दिया कैसे समझोगे बता दिया नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या समझेंगे बेटा एक दूसरा प्रकार का क्रॉस होता है जिसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहते हैं क्या कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस ठीक है cross, वो क्रॉस कर लेते हैं फिर एनसीआर के कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं ये क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद एनसीआर टी कॉन्सेप्ट बताते हैं तो रेसिप्रोकल क्रॉस एन सी आर टी में वैसे तो नहीं है बट मैं एक चीज आपको बस समझाना चाहती हूँ इस क्रॉस के जरिए इस क्रॉस में क्या कहा गया है मान लो एक पेरेंट है ठीक है कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी जो ये वाला पेरेंट है फॉर एग्जाम्पल इसका पॉलिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट मीन्स वो मेल है अगर इस प्लांट का हम गाइनोशियम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए दैट मीन्स ये फीमेल है ठीक है इसकी कॉपी बना लेते हैं ओके okay. अब यहां से तुम्हें एक टाइप ऑफ गेमीट मिलेगा कैपिटल टी मियोसिस के बाद यहां से भी तुम्हें एक टाइप ऑफ गेमीट मिलेगा दैट स्मॉल टी आफ्टर मियोसिस गेमीट जब बन जाता है बेटा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एफ वन हाइब्रिड बनना या आप कह सकते हो जयगॉट का बनना या आप कह सकते हो एफ वन ऑफ स्प्रिंग बनना या आप कह सकते हो एफ वन ऑफ स्प्रिंग या आप कह सकते हो एफ वन प्रोजनी बहुत सारे नाम मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं बार बार नहीं लिखूंगी आपको समझना चाहिए बच्चा ये चीज़ ठीक है दोनों गेमीट मिल गए नेक्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं हम gamete का फ्यूजन करा देते हैं फ्यूज करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा F1 बच्चा आ जाएगा अब बाय लुकिंग इन टू कंडीशन आपको पता चल जाएगा ये क्या है टॉल प्लांट फिनोटाइप आ चुका है देखो किसी भी प्लांट का जीनोटाइप कैसे पहचानते वो हम पढ़ चुके तो बार बार वो चीज नहीं लेंगे अब जब हमने कैपिटल टी कैपिटल टी को एज अ मेल लिया और स्मॉल टी स्मॉल टी को फीमेल लिया तो टॉल आया दूसरा केस भी देख लो दूसरे केस में हम क्या करने वाले हैं दूसरे केस में हम क्या करेंगे जेंडर रिवर्स कर देंगे जेंडर रिवर्स का मतलब अब हम इस कैपिटल टी कैपिटल टी वाला जो प्लांट है उसका फीमेल पार्ट मतलब काइनोशियम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए और इस प्लांट का अब पॉलिन इस्तेमाल कर रहे हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए ठीक है तो क्या रिजल्ट में कोई फर्क आएगा क्या एफ वन में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा एफ वन कोई फर्क नहीं आएगा वो देखना हमें ठीक है तो इधर से गेमीट क्या बना वही कैपिटल टी बना और इधर से वही गेमीट स्मॉल T बना फिर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइ आया वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी क्योंकि पास उसके पास कैपिटल टी है तो ये टॉल वाला फिनोटाइप दे देगा तो F1 तो यहाँ पे भी टॉल F1 तो F1 तो यहाँ पे भी टॉल आया कोई फ़र्क पड़ा क्या नहीं पड़ा तुम जेंडर रिवर्स करके क्रॉस कराए एक बार कैपिटल टी कैपिटल टी को मेल लेकर के एक बार कैपिटल टी कैपिटल टी को फीमेल लेकर के एफ वन पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो जब हम इस तरीके से जेंडर रिवर्स करके चेंज कराते हैं तो कोई खासा फर्क नहीं होता बट क्योंकि तुमने जेंडर रिवर्स करके क्रॉस कराया है इस तरीके के क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं तो मेंडल अपने किसी भी काम को आ, कोई डाउट नहीं छोड़ना चाहते थे तो इन्होंने पहले इसको मेल लिया फिर इसको फीमेल लेकर के भी देख लिया बट रिजल्ट देखते ही बिल्कुल निश्चिंत हो गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी किसी को मेल ले लो कोई फीमेल ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ओके प्लांट के केस में ओके ठीक है हमने एक टेस्ट क्रॉस देख लिया हमने रेसिप्रोकल क्रॉस देख लिया ओके जब ये सब हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने परफॉर्म कर लिया तो आखिरकार उन्होंने प्रपोज क्या किया कंक्लूजन क्या दिया आओ देखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या ऑब्जर्वेशन थी क्या फिनो टाइप आ रहा है क्या जीनो टाइप आ रहा है उन्होंने यह देखा कि एफ वन में उन्होंने क्या देखा एफ वन में सिर्फ डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस कर पा रहा था रेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था एफ टू में डोमिनेंट भी कर गया रेसिव भी कर गया है ना तो वहां से उन्होंने डोमिनेंट रेसिसिव वर्ड का इस्तेमाल किया अच्छा बिफोर कमिंग इन टू दिस लेट मी रीड दी एन सी आर टी लाइन जैसे सेकेंड जैसे सेकेंड जैसे सेकेंड यस इस पेज पे दोबारा से आते हैं जैसे इसमें इस पेज पे लिखा हुआ है ना कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन मेड की थी तो क्या ऑब्जर्वेशन थी वो मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद हम दोबारा से इस पेज पर आते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद जैसे आप आपको एक्सपेरिमेंट करते हो बेटा स्कूल में ऑब्जर्व कर लेते हो ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन देते हो ना तो हम पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं मेंडल जी की उसके बाद हम अपना कंक्लूजन भी पढ़ेंगे ठीक है तो ऑब्जर्वेशन क्या थी उन्होंने फैक्टर का कंसेप्ट समझाया ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी सेक्शन में बता चुकी हूँ तो तुम्हें तुम्हारे लिए हलवा है ठीक है देखो क्या लिखा हुआ है बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गेमिट्स क्या कहा उन्होंने अगर मैं आपको याद कराऊं कुछ चीज मैंने आपको बताई थी वो क्या चीज थी जस्ट अ सेकेंड ये देखो मेंडल जी ने ये कहा था कि जो पेरेंट वाला टॉल है वही बच्चे में जा रहा है तो मेंडल जी बड़े आश्चर्य हुए कि दैट मीन्स अगर बच्चे पेरेंट जैसे आ रहे हैं ऐसा नहीं था कोई इंटरमीडिएट हाइट वाला आया था तो मेंडल जी ने यह कहा जरूर से कोई ना कोई ऐसी चीज है जो पेरेंट्स बच्चों में ट्रांसफर हो रही है और आपको पता तो है कि पेरेंट्स बच्चों में क्या चीज जाती है जींस जाती है तो कैसे जा रही होगी क्या पेरेंट उनको हाथों से निकाल के दे देते हैं लो बेटा मेरा जीन रख लो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है ठीक है जैसे मेरे पास आपको अगर दिख रहा होगा अभी तक पता चल चुका होगा मे भी आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो आ, क्योंकि मैं माइक पहनती हूँ तो आई डोंट नो कि वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट मेरे राइट right, चीक्स uh, पर यू कैन सी अगर मैं कभी uh, हटाऊंगी माइक या कॉलर माइक लूंगी तो डिम्पल पड़ता है तो ये डिम्पल ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स के पास भी है तो पेरेंट्स ने मुझे ऐसे परोसा थोड़ी है मेरे पैदा होने के टाइम पर लो बेटा हमारा ये कैरेक्टर ले लो ठीक है और जैसे मेरे हम मेरे मम्मी के है और बहुत अच्छे हैं जैसे तुम लोग भी कहते होगे कि जेनेटिक्स बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है येस ठीक है तो मेरी मम्मी ने बोला कि लो मेरा हेयर वाला जीन ले लो कोई रिश्तेदार आए लो मेरा जीन ले लो नानी जी आए अपनी अपनी जीन देने दादा जी आए ऐसा तो हुआ नहीं है जीन हमने गिफ्ट रैप में गिफ्ट करके थोड़ी दिया है ये तो हमें पता है कि मम्मी पापा से जीन पाप बच्चों तक जा रहा है बट कैसे जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है तो वो बेटा गैमीट के थ्रू जाता है क्योंकि आपको पता हम किससे बने हैं? गेमीट के फ्यूजन से ही तो बने दो गेमीट लगे थे एक मम्मी के एक पापा के स्पर्म और ओवा है ना तो जो जीन्स हमें मिलते हैं वो मम्मी पापा से मिलते हैं वाया गेमीट मिलते हैं ठीक है अब तुम्हें वो एनसीआरटी की बात समझ में आएगी ये एनसीआरटी के लाइन से जो मेके करके पढ़ रहे हैं

तो मेंडल जी ने कहा कोई ना कोई चीज बिना चेंज हुए पेरेंट्स टू ऑफ में जा रही है अब तो आपको पता चल गया होगा जो, जो एग्जांपल मैंने दिया वी नाउ ऑल कॉल फैक्टर्स मेंडल जी ने जीन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था मेंडल जी जीन को फैक्टर के नाम से बोलते थे कि कोई ना कोई फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है आज उसी फैक्टर को जीन के नाम से जाना जाता है ठीक है देअर फोर जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो भी हमें ट्रेड मम्मी पापा से मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल ये डिम्पल वाला ही जो ट्रेट है तो ये ट्रेट क्यों मिल रहा है बिकॉज इसके इसके लिए मेरे पास जीन है वो जीन मुझे अपने पेरेंट्स से मिले हैं ठीक है थीके? तो क्योंकि वो जीन रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में दैट इज वाई उस जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं ये हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में ही पढ़ लिया था उसके बाद हर जीन के पास कोई भी जीन है बेटा सबके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है

उनको क्या कहते हैं एलील्स ठीक है पढ़ा था ना फॉर्म तो ऑफ कौन से प्लांट कैरेक्टर को प्लांट हाइट फॉर एग्जाम्पल को कंट्रोल कर रहा है इस प्लांट हाइट के दो ट्रेड्स हैं डोमिनेंट और रेसिस तो डोमिनेंट और ट्रेड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं एलील्स कैरेक्टर के लिए हम बोल रहे हैं जीन तो देखो लिखा जीन कोड करता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए और ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं एलील्स ठीक है आगे देखो क्या लिखती है एनसीआरटी फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कैपिटल टी यूज कर लिया है टॉल ट्रेड के लिए तो उसी का छोटा भाई स्मॉल टी इस्तेमाल करोगे डॉर्फ के लिए देन कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील्स होंगे एक दूसरे के और ये दोनों एलील्स जो हैं एलील्स हैं सेम जीन के एलील्स ऑफ सेम जीन और वो जीन क्या करता है दैट कंट्रोल प्लांट हाइट दैट कंट्रोल प्लांट हाइट ठीक है सेम जीन के हैं देर फोर इन प्लांट्स मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज प्लांट्स क्योंकि डिप्लॉयड होता है हमें एलील्स को पेयर में लिखना होता है द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी कैपिटल टी या लिखोगे उसको कैपिटल टी स्मॉल टी या लिखोगे स्मॉल टी स्मॉल टी जब भी, भी आपको डिप्लॉयड कंडीशन दिखानी होती है जो एलील सेम जीन के हैं उनको जोड़े में लिखना पड़ता है दो डिफरेंट एलील का जोड़ा नहीं दो एलील सेम जीन का जोड़ा ठीक है जैसे ये दोनों एलि एक दूसरे के तो इनका पेयर कंडीशन डिप्लॉयड कंडीशन कहलाएगा तुम एक कैपिटल टी उठा लो और एक कैपिटल आर उठा लो तो क्या ये डिप्लॉयड होगा नहीं ये तब डिप्लॉयड होता जब इसका जोड़ा होता और इसका जोड़ा होता ठीक है ओके ओके नेक्स्ट ये तुम्हारी तो एनसीआरटी की लाइन हो गई उसके बाद यह सब बताने के बाद मेंडल जी कहते हैं कि दो लॉ है दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसको लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं क्योंकि यह सब मेंडल जी की ऑब्जर्वेशंस पर दी गई थी एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस जो सबसे पहला लॉ था जो दूसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और आई गेस लॉ ऑफ डोमिनेंस तुम क्लास में पढ़ते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आओ ये दोनों लॉज देखते हैं क्या है पहला लॉ क्या कहता है कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक डिस्क्रीट यूनिट है जिसको फैक्टर्स कहा जाता है आज के जमाने में उन्हीं फैक्टर्स को हम जीन्स कहते हैं दीज फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स यस yes, अगर डिप्लॉयड कंडीशन है तो डेफिनेटली इन पेयर्स जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है इन एग्जाम्पल मतलब ले रहे डिसिमिलर मतलब इम कंडीशन की बात कर रहे हैं या आप कह सकते हो हेटरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं हेटरोजाइगस कंडीशन इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है बेटा तो कैपिटल टी एक्सप्रेस करता है और स्मॉल टी भी एक्सप्रेस करता है नहीं स्मॉल टी डू नॉट एक्सप्रेस कौन एक्सप्रेशन शो करता है सिर्फ कैपिटल टी कैपिटल टी इज एबल टू एक्सप्रेस इट क्योंकि कैपिटल टी वाला फैक्टर कैपिटल टी वाला एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है इसको डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं ठीक है थीके? और स्मॉल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता यही तो हमने देखा था एफ वन हाइब्रिड में यही तो होता है बेटा तो हम उसको क्या कहते हैं रेसिसिव फैक्टर और इस प्रकार के तरीके को हम क्या कहते हैं डोमिनेंस इस प्रक्रिया को हम डोमिनेंस कहते हैं तो

ठीक है सो कैपिटल टी कैप ये देखो यहां लिखा हुआ है ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस एक्सप्रेसिफ इफेक्ट जो कर पाता है वो डोमिनेंट जो नहीं कर पाता वो रेसिस बट बेटा मैं आपको अगले क्लास में इस लॉ के एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगी दैट मीन्स ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती अगर जो चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती दैट मीन्स वो यूनिवर्सल नहीं है ठीक है तो इसीलिए कहते हैं दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल वाई बिकॉज एक्सेप्शन प्रेजेंट बिकॉज एक्सेप्शन के लिए बहुत सारे एक्सेप्शन हैं तो वी आर गोइंग टू टेक अ वन क्लास ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन ठीक है वो पूरी एक लेक्चर बनेगी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ओके okay? नेक्स्ट जो लॉ है बेटा दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वॉट इज दैट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो अगेन आई वुड से कि मेंडल जी ने सिर्फ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया था लॉ में लाने वाले उनको एक अलग साइंटिस्ट थे ठीक है हुआ क्या था क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट अप मतलब कोई ब्लेंडिंग नहीं होती दैट मीनस कैपिटल टी एक एलील है स्मॉल टी दूसरा एलील है ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कोई मिक्सिंग होगा मिलावट होगी टॉल है छह फीट का डॉर्फ है तीन फीट का और इनके जब बच्चे आएंगे तो इंटरमीडिएट हाइट वाले आएंगे ऐसा नहीं होगा दे वुड बी नो मिक्सिंग दे वुड बी नो ब्लेंडिंग दोनों डिस्क्रीट यूनिट है दोनों इंडिविजुअल यूनिट है आपस में मिक्स नहीं करते हैं जो भी ट्रेड्स है दे आर रिकवर्ड

जो भी फैक्टर जोड़े में है वो सेपरेट कर जाता है या सेग्रीगेट कर जाता है एक दूसरे से सो दैट गेमीट के पास एक ही एलील पहुंचे जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हो या एक ट्रेड को कंट्रोल करती हो दोनों ना पहुंच जाएंगे क्योंकि दो पहुंच जाएंगे तो डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी गेमीट और स्पोर होते हैं। कंडीशन को बनाने के लिए कंडीशन रहे, दो दो एलील नहीं भागेगा एक ही एलील जोड़े में से जाएगा जैसे ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी था ये दोनों एक साथ लिखे हुए जोड़े में दैट मीनस ये डिप्लॉइड कंडीशन है जब इनमें मियोसिस होगी क्यों होगी मियोसिस गेमिट बनाने के लिए ठीक है तो चलेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन का मतलब होता है जोड़े जोड़ों को अलग करना सेग्रीगेशन मीन्स अलग करना अभी जोड़े में है ना हमें जोड़ा पसंद नहीं आ रहा वी आर गोइंग टू सेपरेटेड सेपरेशन को सेग्रीगेशन कहते हैं तो दो गेमिट्स बनेगा ठीक है दो टाइप बनेगा एक टाइप कैपिटल टी एक टाइप स्मॉल टी देखो अलग अलग कर दिया तो ये बना एक गेमीट ये बना दूसरा गेमीट तो ये जो एलील था ये क्या था बेटा पेयर ऑफ एलील ठीक है पेयर ऑफ एलील थे बट जो गेमीट बने क्या ये भी पेयर में बने हैं नहीं ओनली ओनली वन एलील इज प्रेजेंट आउट ऑफ पेयर वन एलील इज प्रेजेंट प्लस एंटी का मतलब बेटा क्या होता है प्रेजेंट आउट ऑफ पेयर जोड़े में से एक ही एलील इस गेमीट के पास पहुंचा इस गेमीट में भी क्या हुआ ओनली वन एलील प्रेजेंट आउट ऑफ पेयर यहां पे भी एक ही एलील पहुंचा यह क्यों हुआ है क्योंकि मियोसिस के दौरान बेटा क्या चलती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन में जो एलिल्स हैं वो सेग्रीगेट या सेपरेट कर जाते हैं सो दैट गेमीट को सिर्फ एक एक एलील ही मिले क्योंकि गेमीट हैप्लॉयड होते हैं और हैप्लॉयड कंडीशन तभी होती है बेटा जब एक ही एलील हो एक ही जीन प्रेजेंट एक ही सेट हो जीन का ठीक है कंडीशन समझाई थी ना इस वजह से चाहे गेमीट कह लो चाहे स्पोर कह लो ठीक है दोनों क्योंकि मियोसिस से बनेंगे और दोनों में हैप्लॉड कंडीशन बनानी होगी और दोनों में जब हैप्लॉड कंडीशन बनानी होगी तो यही कराना पड़ेगा नो अदर ऑप्शन ठीक है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि जब जब गेमीड बनेगा बेटा तब तब चलेगी मियोसिस क्योंकि गेमीड बनता है डिप्लॉयड क्योंकि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर गेमीट बनाना है तो मियोसिस ही कराना पड़ेगा और जब जब मियोसिस होगी तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चलेगा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है दैट मीन्स इट इज अ यूनिवर्सल लॉ तो इसके तुम एक्सेप्शन नहीं पढ़ने बच जाओ खुश हो गए ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है इस लॉ के चलने की वजह से तुम्हें हमेशा गेमीट्स प्योर मिलेंगे दैट मीन्स तुम्हें हमेशा गेमीट क्या मिलेंगे तो दैट इज वाई हम हमें कहते हैं कि गेमीट हमेशा प्योर है वाई बिकॉज गेमीट आर ऑलवेज है आप खुद देखो यहां पर कोई और प्रेजेंट है इसकी मिलावट या ब्लेंडिंग करने के लिए नहीं ये तो अकेला ही है और जब अकेला ही है तो प्योर ही है यहाँ पे कोई और मौजूद है नहीं तो ये भी प्योर है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा गेमीस की प्योरिटी बनाए रखता है तो दिस इंश्योर्स प्योरिटी ऑफ गेमी प्योरिटी का मतलब क्या है हैप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर करना ठीक है क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है दिस इज अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ तो एक्सेप्शन नहीं पढ़ना भी नहीं ठीक है, सो बेटा हमने आज टेस्ट क्रॉस पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा रिवाइज किया था स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल क्रॉस मैंने आपको समझाया जो मेंडल जी ने किया था उनको ऑब्जर्वेशन पढ़ा एनसीईआरटी की लाइंस थोड़ी पढ़ी और हमने पढ़ा दी टू लॉज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों लॉ किस क्रॉस को देख करके कि किस क्रॉस को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं दिए गए हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो लॉ दूसरे क्रॉसेस पे चलते नहीं ऐसा नहीं है ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं दूसरे लॉस पे जैसे इसका तो कोई एक्सेप्शन तो हर जगह एप्लीकेबल है बट क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है कि, कि किस क्रॉस को मद्देनजर रखते हुए दिए गए हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ठीक है और आपका ये होमवर्क है कि आपको एनसीआरटी पढ़ करके आनी है अदरवाइज मत आना अगले लेक्चर में ये धमकी समझो मैडम की ठीक है और आज हम करेंगे क्वेश्चन क्योंकि मैडम ने कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ के आना मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चन अगली क्लास में कराया जाएगा तो जो नहीं पढ़ के आए यहीं पर एंड करके भाग जाइए निकल लीजिए क्योंकि फायदा तो है नहीं मुंह देखने का सबका है ना तो पढ़ के आए हैं तो बैठे रहिए और मेरे साथ सवाल लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स है ना यस yes. क्योंकि जेनेटिक्स बेटा इट्स अ टू वे कॉम्युनिकेटिंग कॉम्युनिकेशन अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो आपको भी करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा पल्ला झाड़ लोगे आपको पता ना ताली दो हाथ से बचती है तो अगर मैं इधर से बजाते जाऊ आपका उधर से रिस्पॉन्स ही ना आए तो मजा ही नहीं आएगा है ना और जेनेटिक्स मजा करने वाला चैप्टर है सोने वाले चैप्टर तो आने आगे आने आगे वाले हैं मोलिकुलर बेसिस खत्म सोने वाले चैप्टर शुरू ठीक है तो थोड़ा मेहनत करो पढ़ना है ठीक है पहले क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास करेंगे सो ऑल ट्रेड्स कैन बी एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एक्सेप्ट तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको ठीक है बताना एक ट्रेट है एक्जियल वाला ठीक है एक ट्रेट है येलो पॉड कलर दूसरा है टॉल स्टेम हाइट तीसरा है न, 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 ग्रीन पॉड कलर तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर डोमिनेंट ट्रेट होता है डोमिनेंट ट्रेट है तो डोमिनेंट ट्रेट तो एक्सप्रेस कर जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी सिर्फ रेसिस्टिव ट्रेट ऐसे होते हैं जिनको होमोजाइगस कंडीशन ही चाहिए एक्सप्रेस होने के लिए तो एक्सियल कैसा है डोमिनेंट ट्रेट है।, है ना तो ये कैपिटल ए कैपिटल ए हो तो भी एक्सियल आए, आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो भी एक्ज आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर जाएगा टॉल हाइट देखो ये तो आपको पता ही है टॉल कैपिटल टी कैपिटल टी हो तो भी टॉल आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये देखो हेट्रोजाइगस है फिर भी टॉल आएगा ग्रीन पॉड कलर कैपिटल जी कैपिटल जी हो तो भी ग्रीन आएगा कैपिटल जी स्मॉल जी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो भी ग्रीन आएगा बट येलो पॉड कलर रेसिव है बेटा इज़ रेसिसिव कंडीशन और रेसिसिव कंडीशन तभी एक्सप्रेस हो पाती है जब होमोजाइगस में हो ठीक है स्मॉल जी स्मॉल जी होगी तभी एक्सप्रेस कर पाएगी और स्मॉल जी स्मॉल जी हेट्रोजाइगस तो है नहीं तो प्योर कंडीशन है तो कौन नहीं कर सकता हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू ठीक है अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो अपने आप को सवाशी दें कि आपको जेनेटिक समझ में आ रही है एबल टू तो डू दी क्वेश्चन और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो इन गार्डन पी मटर का लिया एग्जाम्पल फ्लावर एक्जल हो सकते हैं या टर्मिनल यस आपको पता है एक्सियल कैसा ट्रेट होता है डोमिनेंट ट्रेट होता है ठीक है और टर्मिनल कैसा ट्रेट होता है रेसेसिव डब्बा खोलो टेबल बनवाइए पूरी अगर आपको पुराना याद नहीं है आपको अगला समझ में नहीं आएगा अगर आपको यह याद नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में हर चीज नहीं दी रहेगी एक्जियल के लिए इन्होंने एलील दिया हुआ है कैपिटल ए टर्मिनल के लिए इन्होंने दिया हुआ है स्मॉल ए ठीक है अब वॉट प्रपोर्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी एक्जियल इन दिस क्रॉस आपसे कह रहे हैं ये क्रॉस कराना है आपको ठीक है ये जब तुम क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने के बाद कितने बच्चे एग्जियल आएंगे अच्छा एक और चीज बच्चे क्या करते हैं इनको क्योंकि बता दिया एग्जियल डोमिनेंट है ठीक है तो ये सीधा मोनोहाइब्रिड क्रॉस इमेजिन करते हैं और वो याद करते हैं डोमिनेंट तो थ्री अपॉन फोर आता है क्योंकि टॉल डोमिनेंट था और टॉल थ्री अपॉन फोर पचहत्तर परसेंट आएगा मैडम तुम सही होते बट तब होते जब क्वेश्चन में कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए दिया होता क्योंकि थ्री आउट ऑफ फोर जो तुम टॉल का पढ़ते हो ना वो कब रिजल्ट आया था जब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया था क्या ये क्रॉस इससे आइडेंटिकल आपको लग रहा है नहीं दिस इज डिफरेंट क्रॉस एंड दिस इज डिफरेंट क्रॉस तो आपका वो वाला कॉन्सेप्ट ना यहाँ चलेगा नहीं वो वाला कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ नहीं चलेगा वो मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगा देना सारा गुड़गोबर हो जाएगा है ना सारा खराब हो जाएगा ठीक है सो वॉट यू हैव टू डू आपको क्रॉस परफॉर्म करना पड़ेगा शुरुआत में हो आप शुरुआती दौर पर हो तो आपको क्रॉस बिल्कुल परफॉर्म करना पड़ेगा जब एकदम प्रो हो जाओगे ना तो क्रॉस परफॉर्म ही नहीं करना पड़ेगा देख के तुम्हें अंदाजा लग जाएगा बट प्रो होने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा तो, तो चलो आओ बच्चों जैसे क्रॉस करते हैं क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा गेमिट बनाना पड़ेगा हर जगह क्रॉस करना है तो गेमिट बनाना है इसलिए बोला था गेमिट बनाना सीख लो जिनको अभी तक गेमिट बनाना नहीं आया है वो वाला लेक्चर देखे जहां पर मैंने गेमिट बनाना सिखाया है ठीक है तो ये प्योर कंडीशन है तो वन टाइप ऑफ गेमिट मिलेगा कैपिटल ए ये इमप्योर कंडीशन है ठीक है तो दो टाइप ऑफ गेमिट मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए डब्बा बना लो डब्बा नहीं भी बनाना तुम लोग के लिए बना लेती हूं डब्बा अदरवाइज मैं तो ना बनाती अब गेमीट बन गए गे, तो क्रॉस करा दो इसका इसके साथ कैपिटल ए कैपिटल ए इसका इसके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए तो कैपिटल ए डोमिनेंट था तो ये भी एक्जियल आएगा कैपिटल ए डोमिनेंट है ये भी एक्सियल आएगा क्योंकि स्मॉल ए तो बेचारा एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा तो इस क्रॉस से जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं एक्जियल हंड्रेड परसेंट एक्जियल फ्लावर मिलेगा अगर ऐसा क्रॉस होगा तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है कि गार्डन पी में एक्जियल फ्लावर डोमिनेंट टर्मिनल फ्लावर एसेसिव अब ऐसे प्लांट में ऐसा क्रॉस कराना है आपको ठीक है ऐसा क्रॉस कराओगे तो आपको एक्जियल का परसेंटेज निकालना है अब देखो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जैसा क्रॉस नहीं है रटना नहीं है जेनेटिक्स बेटा रट के काम नहीं चलेगा ठीक है टू टू जो फोर टू थ्री सिक्स ऐसा नहीं करना है ठीक है मतलब रटना नहीं है कहने का मतलब ए फॉर एप्पल बता दिया तो ए से कुछ और बन ही नहीं सकता बी फॉर बॉल बता दिया तो ये तो पता ही नहीं है मैडम बी फॉर बैट भी होता है नहीं रटना नहीं है आपको अगर मैंने आपको कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस समझाया है तो आप ये क्रॉस देखो और ये क्रॉस देखो सेम टाइप है क्योंकि ये भी मोनोहाइब्रिड ये भी मोनोहाइब्रिड ठीक है एक ही हाइब्रिड है ना दैट इज वाइट इज मोनो हाइब्रिड ठीक है तो ये तो बिल्कुल हमारे मोनोहाइब्रिड जैसा ही है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट तो आपको पता ही है क्या होता है रिजल्ट अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हमने कराया था एफ वन की सेल्फिंग जिससे हमें एफ टू रिजल्ट मिला था तो याद करो जो डोमिनेंट ट्रेट था डोमिनेंट ट्रेट कौन था बेटा डोमिनेंट ट्रेट हमारा था टॉल तो टॉल का परसेंटेज क्या था? 75%, 4, आया था पचहत्तर परसेंटेज थ्री फोर और जो रेसिसिव ट्रेट आया था ट्रेड क्या था बेटा रेसेसिव ट्रेड था हमारा डॉर्फ उसके आने के चांसेस कितने बन रहे थे पच्चीस परसेंट तो यहां पर भी वही होगा एग्जियल कितना आएगा बेटा पचहत्तर परसेंट अगर सेम क्वेश्चन पूछता और टर्मिनल पूछता तो कितना आता पच्चीस परसेंट ठीक है मैंने कुछ नहीं किया क्रॉस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी मोनोहाइब्रिड रिजल्ट के बेसिस पर यहां पर क्वेश्चन कर लिया लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्लोली स्लोली लर्न करते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा घर में भी देखो ना भाई बहन में कुछ जल्दी सीख जाते हैं कुछ कुछ सीखने में टाइम लगता है सबके साथ होता है तो जो थोड़े स्लो लर्नर हैं उनके लिए मैं क्रॉस कर देती हूँ कैपिटल स्मॉल है इमप्योर कंडीशन है आप देखो बेटा प्योर इमप्योर गेमीट मैं बार बार यूज कर रही हूँ इसीलिए स्टार्टिंग के लेक्चर में लेक्चर नंबर वन में ही मैंने प्योर कंडीशन क्या होती है समझा दी थी इमप्योर कंडीशन क्या होती है यह भी समझा दी थी गेमीट कैसे बनता है यह भी समझा दी थी मैं बार बार रिपीट कर रही हूं जिनको अभी भी प्रॉब्लम है गो फॉर देट लेक्चर जो क्वेश्चन कराए रिपीट इंड कंटिन्यूअसली अपने आप से डाउट पूछो कमेंट्स में डाउट पूछो मैम लुक इन टू वेट एंड मैमिलेल यू

थ्री आउट ऑफ फोर एक्जियल ये भी एक्जियल ये भी एक्जियल ये भी एक्जियल पचहत्तर परसेंट ये क्या है टर्मिनल पच्चीस परसेंट सेम रिजल्ट वही वाला तो आप अपना टाइम बचा सकते हो और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना करो हर ट्रेड्स के लिए प्रैक्टिस करो अभी भी अभी तक नहीं किया है अगली क्लास में बोला था करो बेटा क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ में आएगा ना मैं लिख के दे रही हूँ डायहाब्रिट नहीं समझ पाओगे क्योंकि डायहाब्रिड मोनोहाइब्रिड से ही बना है ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन पाइसम सटाइवम मैं आपको सिर्फ ये करवाऊंगी और दूसरा वाला आपको होमवर्क दूंगी बेटा क्योंकि सारा मैडम ही कर लेंगी तो मेरे बच्चे क्या करेंगे दिस वुड बी और होमवर्क सेम पहले जैसा ही अभी एक्जिल टर्मिनल किया ना उसी पर बेस्ड है तो देखो क्या लिखा हुआ है कि पाइजम सटाइवम में जो मटर के पॉट्स होते हैं वो ग्रीन हो सकते हैं ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट होता है या येल्लो हो सकते हैं येल्लो ट्रेट होता है तो देखो किस ट्रेट्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको ग्रीन का परसेंटेज निकालना है इस वाले क्रॉस में इस वाले क्रॉस में मैं आपको इस क्रॉस का निकाल के बताती हूं ठीक है कि इस क्रॉस में कितने ग्रीन पॉड आने के चांसेस हैं? यहां से कितना टाइप ऑफ गेमिड बनेगा बेटा कैपिटल जी स्मॉल जी क्यों दो टाइप बन रहा है क्योंकि इम्प्योर कंडीशन है ये प्योर कंडीशन है तो यहां से स्मॉल जी बनेगा इनको जाले में बंद कर दो भागना जाए कहीं हमारे गेमीट्स ठीक है ये हमने गेमीट्स लिख लिए नीचे भी गेमीट्स साइड में भी गेमीट क्रॉस करा दो कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी ये कैपिटल जी है तो क्या आएगा ग्रीन स्मॉल जी होमोजाइकस में है हेल्ट्रोजाइकस में नहीं है अब तो इनके मजे आ गए क्योंकि स्मॉल जी कैपिटल जी के साथ मौजूद है तो कहाँ एक्सप्रेस कर पाएगा क्योंकि कैपिटल जी डोमिनेंट है स्मॉल जी को एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा लेकिन जैसे स्मॉल जी को अपना जोड़ेदार मिलता है स्मॉल जी एक्सप्रेस कर जाएगा और यह दे देगा येल्लो पॉड कलर और ये आएगा ग्रीन पॉड कलर बट क्वेश्चन में हमें येलो तो पूछा ही नहीं हुआ है ग्रीन पूछा हुआ है तो ग्रीन आने के चांसेस कितने वन अपॉइंट टू दैट इज फिफ्टी परसेंट फर्स्ट का आंसर फिफ्टी परसेंट है दूसरे का आपको मुझे बताना है ठीक है ओके okay. तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे क्वेश्चंस आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं टेस्ट में पूछे जा सकते हैं ठीक पे पे है डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ लेक्चरों नहीं लेक्चर्स में आप देख लोगे नेक्स्ट क्रॉस कराते हैं जब एफ वन हाइब्रिड क्या आता है एफ वन हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी इसके होमोजाइगस होमोजाइगसिफ पेरेंट के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी मैंने बताया ना किताबों में इस तरीके की क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नाम दिया गया है मोनोहाइब्रिड पढ़ चुके हो डायब्रिड पढ़ोगे आउट क्रॉसिंग क्रॉस पॉलिनेशन तो आपको पता ही है ठीक है और एनसीईआरटी में है भी नहीं तो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं ठीक है सो यस नाउ वी आर डन विद द क्वेश्चन वाला पार्ट नेक्स्ट टर्न पर जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग लगा के आओ तो बल्ले बल्ले है ठीक है नहीं तो मैम आपको समझाएंगे ये एनसीईआरटी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक्सेप्शन किस लॉ के एक्सेप्शन दो लॉ आज पढ़े ना किस लॉ के एक्सेप्शन था जो यूनिवर्सल लॉ नहीं था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस उसके एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे तब तक के लिए रिवाइज करिए जितना कर सकते हैं जो क्वेश्चंस कराए गए हैं जिनको थोड़ा स्लोली समझ में आ रहा है वो दोबारा से रिपीट करिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन बाय बाय